तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चैनल चौबादी पर। मेरा नाम है पामियल, वेलकम टू अपने रोबलॉक्स की खतरनाक वाली दुनिया। और आज की दुनिया में हमें इस खड़ूस आंटी जी के नर्सरी होम से निकलना है, और ये कहना बहुत ज्यादा इजी है लेकिन करना एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा हार्ड भी है। तो बेसिकली बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि जो भी बंदा इस नर्सिंग होम के अंदर जाता है वो कभी बाहर नहीं आ पाता सिवाय बिच्छू कहें के बंदों को छोड़ के। और अभी देखता मैं कैसे आंटी जी को चकमा दूं, देखो उसके सर की पर खड़ी हो चुकी है। सही नर्सिंग होम आंटी जी ने खोल कर रखा हुआ। तो मैं यही बोलने वाला था कि देखता मैं कैसे बिच्छू कहें के बंदे आंटी जी को चकमा देके यहाँ से बाहर निकलते हैं। और एट द सेम टाइम गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि इस गेम का पार्ट नंबर 2 भी आ चुका है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना पार्ट नंबर 2 खेलने से पहले हम क्यों ना पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला आंटी जी मर चुकी है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ये रही हेलो आंटी। और ऑब्वियसली गाइस जब आंटी लोग बात कर रहे होते हैं उनकी बातों के अंदर नहीं आते, उनकी जो नॉर्मल चिटचैट होती है ना कभी उस चिटचैट के अंदर कदम मत रखा करो। उनकी जो चिटचैट होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। फॉर एग्जांपल उनको बात करनी होती है कि रूपाली की बेटी ने नई कार ले ली, मेरी बेटी के पास छोटी गाड़ी है, अरे शिल्पा ने नया वाला पर्स ले लिया, और बिमला ने पूरा नया वाला घर ले लिया। और ये नॉर्मल चिटचैट के अंदर नहीं पढ़ना पड़ता, ठीक है ना। पहले परेशान होते कि बिमला ने गाड़ी ले ली, शिल्पा ने कड़छी ले ली और सुनीता ने कढ़ाई ले ली। तो ये पहले इनके लोचे कभी खत्म नहीं होते। बट एनीवेज गाइस ये मेरे को इन लोगों ने नया बैकपैक दे के रखा हुआ है। अच्छा नहीं दिया, मेरे को लगा था कि ये लोग मेरे को बैकपैक देंगे। अरे वहां पर एक और फोन पड़ा हुआ है, लेट्स गो। तो मेरे पास अभी 10 फोन मेरे को कलेक्ट करने हैं, मेरे पास एक आ चुका है। और नीचे इन लोगों ने मेरे को टाइमर भी देकर रखा हुआ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, इट्स ओके, हम ये गेम खेलेंगे एकदम से आराम से। और इसी के साथ गाइस मेरे पास 2 टेलीफोन्स भी आ चुकी हैं, और मेरे को मर के वापस लास्ट वाले चेक पॉइंट के ऊपर जाना पड़ेगा। और मैंने अभी नोटिस किया कि यहां पर न्यूक भी है। व्हाट, एटॉमिक बॉम्ब गिरा। अच्छा 250 रोबक्स में हम लोग न्यूक गिरा सकते हैं, फाट न्यूक ले पाद वाला न्यूक गिरा सकते हैं 350 रोबक्स में। भाई ये खतरनाक है यार। अगर मैं शॉपिंग मॉल के अंदर जाके देखूं तो इतनी सारी चीजें मैं लिटरली बाय कर सकता हूं यार। और ये देख रहे हो वीआईपी पैक के अंदर जो कि 1100 रोबक्स का है, पूरा पूरा पैकेज आपको देंगे, और मैं ग्रैनी बन के भी खेल सकता हूं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, मेरे को फिलहाल यहां से निकलना है और मेरे को इस गेम का पार्ट नंबर 2 भी खेलना है। और मैं आपको बता रहा हूँ यार कि रोबलॉक्स की दुनिया कुछ ज्यादा ही खूंखार हो रही है। इतने बड़े बड़े घर मैं क्या ही बताऊँ, लिटरली पीछे देख रहे हो ना नीचे पूरा वॉइड तक जा रहा है वो, और मैं अभी नीचे गिरने वाला था। और ये देखो ये पाइपर वाली रोबलॉक्स की जो दुनिया है, जो पार्कोर इन लोगों ने बना कर रखी है, ये मेरा क्या ही उखाड़ लेगी यार। मैंने पॉपी प्ले टाइम खेल ली है ना, मैं यहाँ पर खुद को कुछ ज्यादा ही 30 मार खान समझ रहा हूँ। ये सामने खड़ी है, मेरे को पता है कि मैं जैसे ही आगे जाऊंगा ना पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ जाने वाले हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं गाइस, ओके। अगर मैं ये वाला दरवाजा खोल के देखूं तो सारे दरवाजे एकदम से इन लोगों ने बंद किए हुए हैं। मैं मतलब कि बाहर जाने का कोई रास्ता है ही नहीं। अबे बंदूक देना मेरे को, अबे 350 रोबक्स की कौन सी बंदूक होती है मैन। हेलो उत्तरी पागल हो गई, क्रैप चला किस तरफ है, रुक ठंड रख माता, ठंड रख ले, आपका पाठ पूजा करने का टाइम आ चुका है, प्लीज जाके पाठ पूजा कीजिए। ये भागते भागते पाद मार रही है वो, व्हाट, कितनी गंदी बदबू यहाँ से ऑलरेडी आ रही है यार। ठंड रख के मुझसे तेज कैसे भाग रही है। ओके अभी मैंने बटन दबाया और यहाँ पे दरवाजा खुल चुका, देख काम करता है फटाफट से अंदर घुस जाते हैं। भाई खतरनाक है यार, ये मुझसे ज्यादा तेज भाग रही है। ओके अभी मेरे को अपना बिल्डअप करके ना यहाँ से बाहर निकलना, तो काम करते हैं यहाँ से एक डब्बा छक्का, यहाँ से भी एक डब्बा छक्का, एंड अभी इसके ऊपर छलांग मार के आई बिलीव मेरे को यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेट्स गो। और अभी यहाँ से बाहर निकल, अरे टेलीफोन पड़ा हुआ है तो फट से ये भी ले लेते हैं। और मेरे पास आ चुके टोटल 3 फोन कॉल्स। अभी मेरे को पता नहीं कि मैं लेस्टर को फोन करूं कि मैं पुलिस को फोन करूं या मैं अपने पेरेंट्स को फोन करूं, आई डोंट नो। बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल मेरे सामने है, एंड वंस अगेन गाइस आई बिलीव मेरे को यहां से डब्बे लेके वहां पर बिल्ड अप करके, बिल्कुल माइनक्राफ्ट के मैकेनिक इन लोगों ने यहां पर डिप्लॉय करके रखी हुई है। वंस अगेन डब्बा लेके मेरे को ये डब्बा यहां पर रखना है, ड्रॉप कर ले इससे पहले कि आंटी आ गई ना तो तेरा आंटा बना देगी। हालांकि आई डोंट थिंक कि आंटा कोई वर्ड होता है, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, यहां से निकलने की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं ये बोल रहा था कि अभी मेरे को हॉरर गेम से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। एक भैंस की क्या लात मार के दरवाजा खोल रहा है भाई साहब, जब तेरे पंच के अंदर इतनी जान है तो आंटी जी को मारना। या मैं ये बोल रहा था कि पॉपी प्ले टाइम खेलने के बाद ना गाइस मेरे को अभी भूतिया गेम्स का पूरा लॉजिक समझ में आ चुका है। एब्सोल्युटली गेम अपने हाथ में आ चुकी है, लेट्स गो। एंड इसी के साथ गाइस, और अगर देखा जाए तो बिल्कुल पॉपी प्ले टाइम की तरह ये गेम बनी हुई है। नाइस, और मेरे पास 4 फोन कॉल्स आ चुकी हैं। मैं इसको बार बार फोन कॉल्स क्यों बोल रहा हूँ, 4 टेलीफोन्स आ चुके हैं मेरे पास, आईफोन नहीं है, ठीक है ये हैं आईफोन। तो मेरे पास 4 आईफोन आ चुके हैं। और ये देखो यहाँ पे पिंजरा बना हुआ है, और मैंने अभी नोटिस किया कि सामने एक बटन लगा हुआ है। तो ये बटन खोल कर जाना कहाँ पर होगा। ओके मैं उस तरफ नहीं गया तो मे भी शायद ये वाला गेट खुल सकता है।
ओके यार इन लोगों ने लेजर में लगा कर रखी है एंड फट से जंप एंड लेट्स गो एंड वन मोर। क्योंकि ज्यादा ही फास्ट तरीके से खेल रहा हूँ यार, कम ऑन एंड लेट्स गो। और यहाँ से बटन दबाया, कुछ ना कुछ तो खुला यहाँ पर, हैंग ऑन। ओके बैक, एक्चुअली वही गेट खुला, तो मेरा शक एकदम से यकीन में बदल चुका है। लेट्स गो, ओके लेट्स गो, एकदम बढ़िया खेल रहे हम लोग। और एक बार फिर से गाइस मेरे को इस गेम के अंदर घुसना, गेट के अंदर घुसना है। और इसी के साथ ही गाइस मेरी 32% प्रोग्रेस जो है कंप्लीट हो चुकी है। नाइस, वी आर डूइंग सो गुड। वी ये तो स्क्रिप्ट में था भी नहीं अंकल जी। हेलो अंकल, और एक बार फिर से गाइस ये गटर के अंदर से गोबर निकल रहा है। जंप, मेरे को ये समझ में आता कि ये लोग कौन सा गोबर गढ़ते हैं, अंदर जाते ही बंदा मर जाता है। बट एनीवेज गाइस, एक बार फिर से लोगों ने मेरे को बंदूक दे के रखी है और वंस अगेन मैं बंदूक ले भी नहीं सकता। वाओ, ओ मामा ठंड रखो है, मतलब कि ये पाद मार के बूस्ट लेके आगे बढ़ रहा है। ओके ये बॉस है, इसको आई थिंक मुझे मारना पड़ेगा, मेरे पास गन भी आ चुकी है, मैं मार दूंगा तेरे को, लगा देनी मैंने। ओ भाई साहब, पाद से बूस्ट ले रहा है। सही है भाई, सही है, ऐसी शक्तियां अगर रोबलो से बाहर आ गई ना, मैं ओ ची ब्रदर। ओके तो ये रहा गाइस अपना पजल नंबर, पता नहीं कौन सा है। ओके पुट द करेक्ट लेटर्स ऑन द पिन बोर्ड, तो ए जाएगा आई बिलीव ए की जगह, बी जाएगा बी की जगह, सी जाएगा सी की जगह। अगर कोई बंदा स्कूल ना गया हो तो वो ये कैसे करेगा? आई डोंट नो, लाइक फॉर एग्जांपल, ओके ऑब्वियसली ये बी है तो मैं ऐसे लाइक ऐसे करके मुझको लाइक रफली आइडिया हो जाएगा कि ये जो वर्ड है, जो लेटर है, ये यहाँ पे जाएगा। फटाक से लेट्स गो। ये जो जेट पैक का लालच मेरे को बार बार ही दे रहे हैं ना, ये सही बात नहीं है। गेम वाले मेरी बात सुन लो, ये चीटिंग हो रही है एक्चुअली। तुम लोग जेट पैक देने के नाम पे जो बार बार मेरे को लूटने की कोशिश कर रहे हो ना, इट इज टोटली नॉट फेयर। मेरे को पंच मार के इवेंट खोलना है और मैं 46% गेम में पार कर चुका हूँ। तो सो फार नीली हाफ द गेम मुझसे पार हो चुकी है। मैं तो अच्छा बच्चा हूँ लेकिन ये अच्छे काम नहीं कर रही मेरे साथ में। ऊपर चल, ये भी पात मार के आगे आ रही है। भाई 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 भाई, ये जो पात की शक्तियां को तुम लोग ये गलत उपयोग कर रहे हो ना, मैं देख लूंगा तुम लोगों को, बाद में देख लूंगा, टेंशन ना, देख लूंगा मैं। अबे खोल दरवाजा यार, आंटी मेरी पागलों की तरह पीछे पड़ी हुई है यार। सर दुख जाएगा तेरा, मैं तो फंस गया यार, अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो मेरे को पकड़ ले गई है। अच्छा फंस गई, और मार ले पाद है, और मार ले। ज्यादा पंगे नहीं लेती आंटी के साथ, ठीक है ना। गुस्सा आ गया ना आंटी को तो वहीं से फोन लेके मेरे को मार देगी। 50% कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ से नीचे जाना है मेरे को। और मैं भूल गया था कि मेरे को इन द मीन टाइम अपने टेलीफोन्स भी चकने हैं, मेरे पास 4 आ चुकी हैं, मेरे को 6 अभी और ढूंढने हैं मैन। ओके यार, मैं प्लीज एक चीज तो दो ना यार, इतना लालच तुम लोग जो कर रहे हो ना मेरे साथ, ये ठीक नहीं है यार। ये देखो जेट पैक, मेरे को बार बार जो है ये जेट पैक और ये फास्ट वाले बूटों का लालच जो तुम लोग दे रहे हो ना, नॉट गुड, लाइक टोटली नॉट गुड। पर सच्ची में बताऊँ ना तो मेरे को तुम लोगों का ये फंडा चाहिए भी नहीं, समझ रहे हो तुम लोग, रोब्लॉक्स वाला समझ रहे हो ना, मेरे को ये टुच्चे काम नहीं चाहिए, मैं खुद ही प्रो हूँ। ये जेट पैक का लालच तुम लोग ये मेरे को दे रहे हो ना, मेरे को चाहिए ही नहीं। एंड टैक्सी, अब मैं क्या ही तारीफ करूंगा अपने रोब्लॉक्स की पार्कोरिंग वाली दुनिया के अंदर, क्या ही तारीफ करूँ, कितना ज्यादा प्रो हो चुका। सॉरी, कम ऑन, मैं जब भी तारीफ करता हूँ ना अपनी, मर जाता हूँ यार, मैं बोलने वाला था। एंड जंप एंड जंप एंड जंप एंड जंप, कम ऑन देन। एंड यहाँ से बटन दबाने का है और नीचे से पक्के चालू हो जाएंगे और मेरे को लगता है कि पक्कों की मदद से मेरे को चलना है एकदम उस तरफ। नाइस 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 नाइस। और अभी अगर गाइस प्रोग्रेशन की तरफ देखें तो 67% कंप्लीट हो चुका है। मुक्का मार के मेरे को ये वाला इवेंट भी तोड़ना, लेट्स गो, कम ऑन, आई थिंक वी आर डूइंग गुड। और ये कितनी ज्यादा खटखट की आवाज कर रहा है ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ सबको पता लग जाएगा कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से भी पंच, लेट्स गो, 71% गाइस इतना कंप्लीट हो चुका है, लेट्स गो, वी आर सो फार, वी आर डूइंग सो गुड। अब यहाँ पे क्या करना है, इतनी बड़ी जंप तो मैं मार भी नहीं पाऊंगा यार, रुको, ये तो माइनक्राफ्ट की लिटरली 4 ब्लॉक वाली जंप है। अगर मैं यहाँ से आके, ओके यहाँ से बिल्कुल भी सवाल ही पैदा नहीं होता वहां से जंप मारने का। कम ऑन,
ओके तो पॉसिबल ही नहीं है यार ये तो। ओ मैं ये उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ। ओ इंटरेस्टिंग मेरे भाई, सिस्टम लोगों ने पूरा देकर रखा हुआ यार। ओके तो भाई ये यहाँ पे रख दूँ तो? अरे यार भाई, मतलब कि गेम के अंदर चीटिंग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इन लोगों ने आई थिंक मेरे को गिन के पूरे प्लैंक्स वगैरह दे के रखे होंगे, तो ये जाएगा यहाँ पे। लेट्स गो। तो दो रख दिए मैंने, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो मेरे पास फिलहाल तीन और बचे हैं, तो मेरे को थोड़ा बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा क्योंकि एक जाएगा वहां पर एंड आई बिलीव एक आगे भी जा सकता है। तो मेरे को बिल्कुल ही वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैंने वेस्ट कर दिए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरे को ये जगह पूरी फिर से करनी पड़ेगी। और आई थिंक मेरे को एक और चाहिए ये पूरा लेवल कम्प्लीट करने के लिए। वंस अगेन सो फार बहुत ज्यादा जबरदस्त कर रहा हूँ मैं। कम ऑन, वैसे सिस्टम में लोगों ने पूरा मस्त वाला बना के रखा हुआ है। एंड लेट्स गो यार। ओके ऐसा भी होता है गेम्स के अंदर, अगर ये मैंने वास्तव कर दिया ना तो मेरे को पूरा पक्का मरना पड़ेगा क्योंकि मैं पीछे जा भी नहीं पाऊंगा। ओह बच गया यार। ओके जंप 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 ओह लेट्स गो। अरे यार ये क्या कर रहा है यहाँ पर? अब ये मत बोलना। ओके बच गया, मेरे को लगा था कि मेरे को फिर से वहीं पे आना पड़ेगा। भाई ये कैसे करते हैं? आई थिंक मेरे को जंप मारनी है और मेरे को पक्के की हवा पूरा पीछे तक लेके फेंकेगी। लेट्स गो। लट्टू की तरह घूम रहा मेरे भाई, रुक जा आराम से करना तेरे को। जंप जंप जंप। आ मैं कैसे कर रहा हूं मेरे को नहीं पता भाई, मैं ये मैंने कैसे किया मेरे को नहीं पता गाइस। और इसी के साथ गाइस बातों बात में मेरे पास आ चुके 82% कंप्लीशन हो चुका है यहाँ पर। और अभी फिर से ये वाला बड़े वाला पंखा लेके सीधा आई थिंक मैं पहुंचने वाला हूँ बाहर। अब ये ना हो कि सामने मेरी आंटी जी खड़ी है मेरे को पकड़ने के लिए। लेट्स गो, यहाँ से दरवाजा खोलेंगे। अभी आ चुका है रेड वाला दरवाजा, तो फर्स्ट मैं ये वाला भी खोल लेता हूँ। अरे एक बार फिर से गाइस मेरे को दूध, मेरे को बोल रहे हैं भाई मेरे तेर से नहीं होगा, तू दूध पी और घर में जा। वाह किया हुए, ये कौन सा दूध पिला दिया इन लोगों ने मेरे को भाई। हेलो यार खतरनाक यार, ये कैसा दूध था यार? तुम लोग मेरी बात मानो या ना मानो, सब लेजेंड बता रहा हूँ, सब दूध का कमाल है यार। लेट्स गो। Obviously guys, अब दूध पिएगे तो डकार तो आएंगे ही आएंगे ना। एंड इसी के साथ guys, तो प्लीज मेरे भाई अब तो गन फ्री में दे देना यार, मेरे सामने मॉन्स्टर खड़ा हुआ है यार। हेलो आंटी जी, ये नाइजरड का आर्मर तुम लोगों ने जो पहन के आए हो ना, उतरी ओगल मारू कैसे तेरे को भाई? उस ये ओ माय गॉड, तुम लोगों ने क्या खड़ूस गन मेरे को दे के रखी है। उसको मिला नैदरवर्ड का आर्मर और मेरे को ये खड़ूस वाली गन। टिक के बैठ जा, गोली मार नहीं तेरे को मैंने। लेट्स गो। मेरे को लगता है कि फिर से मेरे पास आने वाली है और सामने गाड़ी खड़ी है और आई थिंक हमने स्किप कर लिया ब्रो। लेट्स गो। ए मेरे को प्लीज ट्रक। अच्छा मैं नहीं चला रहा, ड्रिफ्टिंग देख रहे हो कैसे ट्रक ने मारी। लेट्स गो यू एस्केप। भाई मैं डर गया था, मेरे को लगा था कि एंड में वो नेदरलैंड वाली आंटी जी मेरे को पकड़ लेगी, लेकिन बच गया मैं। ये तो ये वाली खड़ूस आंटी जी को गाइस हमने पार कर दिया। अगर नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो अगर आपको इसका पार्ट नंबर 2 देखना तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।